हम लोग अलग अलग जगह पे जाकर पार्टी अपना कार्यक्रम प्रचार प्रसार की तैयारी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। उपचुनाव होना है, उन तीन में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष उल्लास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई। चिराग पासवान पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के साथ आपको बता दें कि बिहार में दो जगहों पे उपचुनाव होने हैं, तो क्या चिराग पासवान की पार्टी दोनों सीटों पर बिहार में गोपालगंज मोकामा इन दोनों सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, क्या अपने कैंडिडेट्स खड़े कर रहे हैं, इस बारे में जब सवाल किया गया, साथ ही साथ गुजरात में हो रहे चुनाव को लेकर के उनकी तैयारियां क्या है, क्या उनकी पार्टी गुजरात जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे पर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या? भाई हम लोग मजबूत तैयारी कर रहे हैं। 17 तारीख को हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक है, संभवतः हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उसके आसपास तमाम और राज्यों में इंक्लूडिंग गुजरात जहां पे चुनाव होने हैं उसकी अधिसूचना भी संभवतः सामने आ जाएगी। मैं अभी कुछ दिन पहले सूरत में था, कल मेरा कार्यक्रम गोधरा में है और 10 तारीख के बाद का मेरा कार्यक्रम राजकोट में है। हम लोग अलग अलग जगह पर जाकर पार्टी अपना कार्यक्रम प्रचार प्रसार की तैयारी हम लोग मजबूत कर रहे हैं। ये बात तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुजरात में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन के साथ चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनसे गठबंधन की भी चर्चा चल रही है, ये तमाम बातें स्टेट यूनिट पर छोड़ दी गई हैं। बहुत जल्द मुझे लगता है केंद्रीय संसदीय बोर्ड में स्टेट यूनिट का अपना सुझाव भी आ जाएगा, पर चुनाव पार्टी जरूर लड़ रही है ये तय है और उसी क्रम में मेरे निरंतरता में कार्यक्रम भी वहाँ पर। भाई बिहार उपचुनाव हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष मुझे लगता है बहुत जल्द संसदीय बोर्ड के द्वारा ये जानकारी उपचुनाव को लेकर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को सौंप दी जाएगी। तीन सीटों पर उपचुनाव होना है, उन तीन में से कौन कौन सी सीटों पर पार्टी चुनाव लड़े, कौन प्रत्याशी होने चाहिए, ये तमाम बातें बिहार संसदीय बोर्ड और उनके अध्यक्ष उल्लास पांडे जी के ऊपर छोड़ी गई है। मुझे लगता है बहुत जल्द अधिकृत जानकारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड को इनके। तो आपने स्पष्ट रूप से चिराग पासवान को सुना, चिराग पासवान ने कह दिया है कि गुजरात में उनकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, और रही बात बिहार में उपचुनाव की, तो बिहार के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष ये बात तय करेंगे कि बिहार में उपचुनाव पर क्या कुछ तैयारियां वो करेंगे। साथ ही साथ वो भी ये करेंगे कि यहां से जैसे ही दशहरा ख़त्म होने वाला है, ख़त्म होते ही वो गुजरात दौरे पर निकलेंगे और गुजरात दौरे में किस तरीके से चुनावी रणनीति तैयार करनी है और अपनी पार्टी को किस प्रकार वहां पे सफलता हासिल करानी है, इसको लेकर के हम मुआयना करेंगे। तो आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।